नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कार के अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों बस कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, तो आप सभी को दिवाली की अग्रिम बधाइयाँ। तो दिवाली का पर्व शाम के समय प्रदोष काल में मनाया जाता है, साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके। फिर दोस्तों जिस जगह दिवाली का पूजन करना होता है उस जगह हमें साफ कर लेना होता है। साथ ही दोस्तों आसन लगाकर गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने कलश स्थापित कर दिया है। कलश पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने वहाँ पर चौमक दिया भी जला दिया है। और चौमक दिया जलाने के बाद दोस्तों उसी में से जितनी भी दिया रहती है उसको जलाने के बाद सारे दिए को एक एक करके जला लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पहले चौमुखी दिए को जलाएंगे, उसके बाद सारे दिए को धीरे धीरे जला लेंगे और फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को फल अर्पित करेंगे। 5 तरह के फल, 5 सुपारी और जो भी मिठाइयाँ, लावा और जितनी भी सारी चीज़ें आई रहती घर पे, लावा तो मेन ही होता है दिवाली में, ये सब एक थाली में रख लेंगे और मिठाइयों को इस तरह से रख लेंगे। और दोस्तों दिवाली की जो ख़ास मिठाई होती है जिसे हम खिलौने वाली मिठाई, चिड़िया वाली मिठाई ये सब बोलते हैं, उस मिठाई को रखना बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि दिवाली में वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस तरह से मैंने ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैं थाली में ये खिलौने वाली मिठाई रख रही हूँ। उसके साथ ही दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये मैं कलाकंद और एक और मिठाई है उसको भी इस थाली में इस तरीके से रख लूँगी। और माता लक्ष्मी की इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है। तो मैं अपने घर पर जिस तरह से पूजा होती है उसी तरीके से करती हूँ। दोस्तों आपके यहाँ जिस तरह से पूजा हो आप अपनी रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना माता लक्ष्मी की कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मेरा बेटा शिवाय है और आप देख सकते हैं किस तरह से ये कैंडल जला रहे हैं। इनको मना कर रहे हैं कि बाबू हाथ जल जाएगा, लेकिन ये इतना खुश हैं देख सकते हैं आप। और ये दोस्तों दिया घर का बनाया हुआ है, जो भी कैंडल है ये मेरे भाई सत्यम का प्रोजेक्ट था, तो ये घर पर इतना सारा दिया बना रखा था तो ये शिवाय जला रहे हैं, लेकिन उसको एक मिट्टी के दिए के अंदर रखना चाहिए था। अभी आप देखेंगे वो किस तरह से नीचे ही पिघल जाएगा और शिवाय उसको जला रहे हैं, मना करने पर नहीं मान रहे हैं। और इस तरीके से हमने माता जी को और भगवान गणेश को सारी चीज़ें अर्पित कर दिया है। अब यहाँ से दिए को उठाकर ऊपर वाले रूम में ले जाएंगे और आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर अगरबत्ती जला रही हूँ। और इस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना हमारे घर पर की जाती है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत ही सरल और आसान विधि से इस तरीके से माता रानी की पूजा की जाती है, यानी कि हमारी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की इसी तरीके से हमारे घर पर पूजा होती है। और इस तरीके से आप देखेंगे कलश में मैंने आम के पल्लव रखा है और फिर कलश में हमने फूलों की माला पहना दिया है और उसके ऊपर हमने दिया रखा है। और इस तरीके से माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं और साथ ही माता रानी की आरती भी करेंगे, वो भी आप अभी वीडियो के अंदर देखना। दोस्तों हमने अलेक्सा से आरती गवा कर माता रानी की आरती की है, लेकिन उसको हमने इसमें नहीं सुनाया है क्योंकि दोस्तों वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हमने आरती को वहां से हटा दिया है। और हम आप देखेंगे किस तरह से मैया रानी की अभी हम पांचों लोग मिलकर किस तरीके से आरती करेंगे। दोस्तों यहां पर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरा भाई और साथ में मेरी दीदी का लड़का है, तो अभी हम पाँचों लोग एक साथ माता की आरती करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कपूर जला लिया है और ये देखिए दोस्तों अब हम लोग खड़े हो जाएंगे और इस तरह से माता लक्ष्मी की आरती उतारेंगे। ये आप देख सकते हैं सबसे आगे शिवाय, राहुल, सत्यम, मैं, मेरे हस्बैंड और इस तरीके से हम लोग आरती उतार रहे हैं माता की। और ये देखिए शिवाय तो बहुत खुश रहता है वैसे भी, इन सब चीज़ों में उसको बहुत ही मज़ा आता है और ख़ासकर दिवाली हो, दिवाली में तो और ही मज़ा आता है हर किसी को।
और इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है माता लक्ष्मी की। और फिर हम सारे दिए को पूरे घर में एक एक करके उठाकर ले जाते हैं और सारे रूमों में दिए को रख देते हैं, क्योंकि आज के दिन हर कोने कोने में दिया जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, बहुत ही शुभ माना जाता है। और शिवाय को देखो, ये शिवाय फिर से कैंडल ले लिया और जला रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो गई। जय माता लक्ष्मी।